खेसारी लाल यादव और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ है जनाब। जहां खेसारी लाल यादव वहां कंट्रोवर्सी। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी का आगमन ही कंट्रोवर्सी से हुआ है। जी हाँ, आपको याद है खेसारी का वो एल्बम उन्होंने गाना गाया था सानिया मिर्जा काहे खुजलू दुल्हा पाकिस्तानी, जिसे सुनकर सानिया मिर्जा भड़क गई और उन्हें 2 दिन की जेल हो गई। जी हाँ, जब 2 दिन बाद खेसारी लाल यादव जेल से वापस आए तो वो रातों रात स्टार बन चुके थे और फिर उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म साजन चले ससुराल। जी हाँ, साजन चले ससुराल जैसे ही भोजपुरिया पर्दे पर आई, खेसारी लाल को उनकी पहली ही फिल्म ने स्टार बना दिया था। उसके बाद लगातार खेसारी की 13-14 फिल्में आई और सारी की सारी हिट रही। खैर, ये तो बात रही खेसारी लाल यादव के आगमन पर भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई वो ये थी। लेकिन जब खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गए तो उसके बाद भी विवादों ने उनका पीछा आज तक नहीं छोड़ा है जनाब। जी हाँ, अब पहला विवाद देख लीजिए। खेसारी लाल यादव के साथ हमेशा जुड़ता है कि वो एक लौंडा है। जी हाँ, इस पर भी खेसारी लाल यादव ने क्लियरिफिकेशन दिया, लेकिन लोगों को अभी भी लगता है कि जो स्टेज पर खेसारी लाल यादव नाचते हैं, गाते हैं, जिस तरह कमर हिलाते हैं, दुपट्टा लेकर औरत की तरह डांस करते हैं, वो एक लौंडा ही कर सकता है, न कि अभिनेता। लेकिन इस पर भी खेसारी लाल यादव ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो लौंडा है तो उनके 2 बच्चे कहां से हैं। खैर, ये विवाद तो उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक खेसारी लाल यादव हैं। अब आते हैं नेक्स्ट विवाद पर। जी हाँ, खेसारी की आज पूरी फेहरिस्त है, क्योंकि खुद खेसारी लाल यादव अपने इन विवादों से इतने आहत हैं कि वो चैन की रोटी खाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि पब्लिक को उनका गाना, उनकी फिल्में नहीं पसंद आती हैं, तो वो अपने गांव वहीं लिट्टी चोखा बेचेंगे जैसे वो पहले किया करते थे। हाल ही में कुछ इंटरव्यूज में सामने आया है कि खेसारी अपने साथ हो रहे इन विवादों से कितने आहत हैं। और इन्हीं विवादों में भोजपुरी के एक डायरेक्टर, जो भोजपुरी के बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, उनको लेकर भी विवाद सामने आया है। खेसारी लाल यादव ये कहना नहीं भूल रहे हैं कि अब वो भूतकाल के डायरेक्टर हो चुके हैं, यानी कि अब उनका अस्तित्व भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके बारे में लगातार छींटाकशी कर रहे हैं। ये बता दे कि उनका बेटा, यानी उस डायरेक्टर का बेटा भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल काम कर रहा है और अच्छा खासा भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका नाम है, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव किस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, हमें यकीन है अब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो हम बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव राजकुमार पांडे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही राजकुमार पांडे हैं जिनके साथ खेसारी की नागिन फिल्म आई थी, जिसमें मोनालिसा, रानी चटर्जी और खुद खेसारी लाल यादव थे। खेसारी लाल यादव ने तो यहाँ तक दावा किया है कि राजकुमार पांडे कहते हैं कि खेसारी लाल यादव अश्लीलता फैलाते हैं, लेकिन खुद राजकुमार पांडे की फिल्मों में अश्लीलता का भरमार होता है। यहाँ अब आपको एक बात और बता दें कि खेसारी अपने इस पूरे इंटरव्यूज में पूरे काम डाउन तरीके से अपने एक एक कॉन्ट्रोवर्सी पर एकदम शांत रूप से बयान दे रहे थे, जो कि ये दर्शाता है कि खेसारी इन सब चीजों से कितने आहत हैं। फिर उन पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने देवघर वाले स्टेज शो पे अश्लील गाने गाए, इसके वजह से वहां दर्शकों ने हो हंगामा मचाया, जबकि खेसारी लाल यादव का कहना है कि वहां उन्होंने गाना गाया ही नहीं, उसके पहले ही वहां की स्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। वो स्टेज पे गए, दर्शकों को समझाया, लेकिन वहां उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए प्रशासन के लोगों ने खेसारी लाल यादव को फिर से उनके रूम में जाने को कहा, अपने होटल में जाने को कहा, जिसकी वजह से
वो स्टेज शो रद्द हुआ क्योंकि वहां स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी। इन सब विवादों के बाद खेसारी लाल यादव का ये भी कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें एक वर्ग है जो बिल्कुल पसंद नहीं करता, उनकी जो सफलता है उससे जलता है, चिढ़ता है, इसकी वजह से उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, हर कोई हर दूसरे तीसरे उन्हें फोन करता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने की है कि खेसारी के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी कई हीरो हैं, जैसे मसलन पवन सिंह, निरहुआ, प्रदीप पांडे चिंटू, रितेश पांडे, और इनकी पॉपुलरिटी भी खेसारी से कुछ कम नहीं है। लेकिन खेसारी के साथ जितने विवाद होते हैं उसका आधा भी इन स्टार्स के साथ नहीं होते। जानकारों की माने तो लोगों का कहना है कि खेसारी के आजू बाजू ऐसे लोगों की भरमार हो गई है जो सिर्फ चापलूसी कर कर के उनके साथ हैं, इंडस्ट्री के प्रति और इंडस्ट्री के लोगों के प्रति। वैसे खेसारी सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो इन सब से बचते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ ये बात तो क्लियर है कि अपने सारे विवादों से खेसारी बुरी तरह से आहत है और वो नहीं चाहते कि दूसरा कोई भी विवाद उनके साथ हो, क्योंकि अश्लीलता का आरोप तो खेसारी से तब से लगता आ रहा है जब से खेसारी फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं। वैसे यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि अकेले खेसारी लाल यादव अश्लीलता भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं फैला रहे हैं। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को देख लीजिए, अश्लीलता भोजपुरी इंडस्ट्री पे का कलंक बन चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता इस कदर आ चुकी है कि वो चाहकर भी भोजपुरी को छोड़ नहीं सकती। वैसे जाते जाते एक और विवाद आपको खेसारी लाल यादव का बताते जा रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी फिल्म दुल्हन गंगा पार के डायरेक्टर ने पैसों को लेकर विवाद खड़ा किया है कि खेसारी लाल यादव के लिए पैसा ही सब कुछ, बगैर पैसे के खेसारी लाल यादव किसी के नहीं है। अब इन विवादों में कितनी सच्चाई है ये तो खेसारी लाल यादव ही बता सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।